लिंगराज ओपन कास्ट माइन महानदी कोल फील्ड लिमिटेड के तालचर क्षेत्र में बड़ी ओपन कास्ट माइनों में से एक है। यहाँ से कोयला का संप्रेषण मुख्यतः तालचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन कनिया में किया जाता है। इस माइन में 21 तीन 2020 को सुबह लगभग 9:40 पर एक दुखद दुर्घटना हुई थी, जिसमें हमारे एक साथी श्रीमुख प्रधान कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई उनका देहांत हुआ था। इसका एक संक्षिप्त नाट्य रूपांतरण आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इलेक्ट्रिकल फोरमैन अपने कामगारों को डाइवर्टेड फीडर नंबर 1 का डेड स्पान खुलने का कार्य समझाने के बाद शटडाउन लेने के लिए मेन सबस्टेशन की तरफ रवाना हुए। कामगार लोग अपने पीपी और कार्य करने का सामान लेकर कार्यस्थल की तरफ रवाना हुए। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर मेन सबस्टेशन में फीडर नंबर 1 का शटडाउन लेने के लिए पहुंचे। शटडाउन प्रोसीजर के तहत पूरी तरह सभी प्रक्रिया को पालन करते हुए इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर शटडाउन लिए। सुपरवाइजर शटडाउन लेने के बाद में कार्यस्थल पर पहुंचे एवं उसके बाद में कार्य शुरू हुआ। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई श्री श्रीमुख प्रधान 3 डेड स्पानों में से पहला एवं दूसरा स्पान खोल चुके थे एवं तीसरा स्पान खोलने के अंत में पोल से अनबैलेंस होके नीचे गिर गए और ये हादसा हो गया। विभागीय जांच से ये पता चला है कि दुर्घटना का मुख्य कारण पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे सेफ्टी हार्नेस में छेड़छाड़ और गलत तरीके से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का व्यवहार, वो भी उसका एक मुख्य कारण है। ये इस तरह का दुर्घटना भविष्य में ना हो, इसके लिए बहुत सारे व्यवस्था किया गया है। जैसे कोई भी वर्कऑर्डर शुरू होने से पहले उसके तहत सप्लाई किया गया कोई भी सुरक्षा उपकरण की विभागीय अधिकारी से जांच किया जा रहा है। कार्य शुरू होने से पहले या कार्यस्थल पर सुपरवाइजर द्वारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का निरीक्षण किया जा रहा है एवं जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को सही तरीके से व्यवहार करे लोग, उसके लिए बार बार उनको ट्रेनिंग का भी व्यवस्था किया गया है। इसके अलावा ऊंचाई पर ओवरहेड लाइन में कार्य करने के लिए हाइड्रोलिक बोम लिफ्टर का व्यवस्था भी किया जा रहा है। लिंगराज परिवार के तरफ से सभी को इस नाट्य रूपांतरण को देखने के लिए अशेष अशेष धन्यवाद और आशा करते हैं इसके प्रचार प्रसार से इस तरह की दुर्घटना दोबारा ना हो।